इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय दस। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय दस। शाऊल की मृत्यु और दाऊद के राज्य का आरंभ। पलिश्ती इसराइलियों से लड़े और इसराइली पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नाम पहाड़ पर मारे गए और पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबिनादाब और मलकीशु को मार डाला और शाऊल के साथ घमासान युद्ध होता रहा और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोग दे, कहीं ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मेरी ठट्टा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया है, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया। यो शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए। यह देखकर कि वे भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई में रहने वाले सब इसराइली मनुष्य अपने अपने नगर को छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने उनके वस्त्रों को उतारकर उनका सिर और हथियार ले लिया और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवताओं और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाए। तब उन्होंने उसके हथियार अपने देवालय में रखे और उसकी खोपड़ी को दागोन के मंदिर में लटका दिया। जब गिलाद के याबेश के सब लोगों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और शाऊल और उसके पुत्रों की लोथे उठाकर याबेश में ले आए और उनकी हड्डियों को याबेश में एक बांज वृक्ष के तले गाड़ दिया और सात दिन तक अनशन किया। यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी, उसने यहोवा से न पूछा, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को ईशे के पुत्र दाऊद को दे दिया।